परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम पंचेट जिला रतलाम। यहाँ पर वैसे तो आश्रम 40 साल से बना है, 32 से 35 साल से प्रति साल दीपावली पे भंडारा होता है। हमारी योग वेदांत सेवा समिति, महिला समिति और युवा सेवा संघ सभी लोग इस कार्य में रत रहते हैं, लेकिन पिछले 17 साल से हमारे यहाँ बॉम्बे से भी लोग आते हैं, राजकोट से भी आते हैं, चित्रौड़, गौशाला और राजस्थान से। तो ये पूरी टीम आ गई, देखिए बस और 4-5 गाड़ी, लोडिंग गाड़ी। अब हम आपको आगे लेके जाते हैं कि आज यहाँ शिवगढ़ के पास गेणी में बहुत विशाल भंडारा है। कम से कम आसपास में 20-25 गांवों में प्रचार हुआ है और सभी जगह से लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और उनको सामग्री वितरण की जाएगी, उसका हम आपको विवरण बता रहे हैं। ये आंवला कैंडी है, तो ये आंवला कैंडी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, भगवान विष्णु को प्रिय है आंवला, तो आंवले की कैंडी है। ये वितरण होगा, उसके बाद में ये किट बना हुआ है, इसके अंदर नमक है, माचिस है, 3 तरह का मसाला है, पोया है, तेल का पाउच है, घी का पाउच है, शक्कर है और मूंगफली के दाने हैं। ये सारी सामग्री इसके अंदर है। ये एक ऐसा कैसा जो सामग्री लेने वाले हैं उनको दीपावली के निमित्त आश्रम की ओर से गुरुदेव के आशीर्वाद से भेंट की जाएगी। उसके बाद में ये गले में उनको ओमकार है, राम जी है, कृष्ण भगवान है, गुरु जी है, ताकि वो अपने धर्म में ही रहे, अन्य धर्म में नहीं जाए। हिंदू धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म में मरे और धर्म में नहीं जाए। उसके बाद में ये चंदन की माला है, ये माला सबको पहनाएंगे। यहाँ के लोग क्या है, माला को बहुत महत्व देते हैं और माला पहनते भी है और माला से राम राम भी जपते। आप ये बॉल पेन है बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, तो बच्चे अधिक से अधिक पढ़ाई में आगे बढ़े, राइटिंग अच्छी हुए, बॉल पेन। उसके बाद में बच्चों के लिए ये नोटबुक है, रजिस्टर है, नोटबुक है, इसमें प्रत्येक पेज में सुवाक्य लिखा हुआ है, बहुत ही बच्चों के लिए अच्छी चीजें हैं। अब उसके बाद में ये कंबल, जैसे अभी ये दीपावली के बाद में ठंड आ जाती है तो ये कंबल भी बहुत सारा आया है, कंबल को भी वितरण करेंगे। और ये टावेल है, टावेल भी सभी को वितरण किया जाएगा। और ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि माथे पे पगड़ी टोपी और ये धोती, तो धोती भी हम लोग आज भी देते हैं ताकि हमारी संस्कृति में लोग लगे रहे, उन सबको वितरण होता रहे। ये अगरबत्ती है, वैसे तो बाजार की अगरबत्ती में केरोसिन और ना जाने कैसी कैसी मिलावट होती है, अगर कोई ओरिजिनल बनाते हैं तो उसको हमारा धन्यवाद, लेकिन ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है आश्रम का, और आयुर्वेदिक अगरबत्ती रहती है और गौ माता के गोबर भी इसमें मिलावट होता है, और अगरबत्ती भी सबको देंगे ताकि लोग दीपावली को अगरबत्ती जलावे और पूजन करें। ये नए साल का कैलेंडर है, इसमें भगवान राम जी, गुरु जी, शिव जी और हनुमान जी सभी फोटो रहता है, साल भर ये लोग कैलेंडर को वितरण करते। धार्मिक साहित्य जैसे कि ऋषि प्रसाद, लोक कल्याण, ये सभी वितरण किया जाएगा। इन किताबों में व्यसन मुक्ति, आरोग्य के लिए बहुत सारी बातें, और परीक्षा में आगे बढ़े और घर में लक्ष्मी कैसे बढ़े, माता पिता गुरुजनों का आदर कैसे करें, ये सारी चीज इसमें दी हुई। अच्छा, हमारे दीपावली के दिनों में ऐसा विधान है कि दीपक जलाना, तो ये दीपक भी बहुत सारे आए हैं, दीपक के साथ में तेल भी दे रहे, माचिस भी दे रहे, रुई भी दे रहे, तो ये घर जाके लोग दीपक जलावे। और भोजन के लिए थाली सभी को दी जाएगी, नई थाली लाए हैं, थाली भी वितरण की जाएगी। कपड़े कई तरह के हैं, हम सबको आप तो नहीं बता पाएंगे, छोटी बड़ी साइज, पेंट शर्ट बहुत सारे हैं, कई तरह के हैं, तो ये सारे कपड़े भी वितरण किए जाएंगे। उसके साथ साथ में अपने जैसे आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासी क्षेत्र में लोगों को क्या पसंद है, तो वो चीज हम सेलाना सरवन से लिया, इन लोगों को विशेष शर्ट वगैरह, आदिवासी कपड़े, आदिवासी चुंदरी और आदिवासी धोती, ये सारी सामग्री यहाँ पर वितरण की जाएगी। और ये जैसे बड़ा बड़ा रजिस्टर है, ये भी वितरण किया जाए।
इन पे ज्यादा जोर इसीलिए देते हैं कि बच्चे, आने वाले बच्चे कल के भारत का भविष्य है, तो इन बच्चों में संस्कार मिले। हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी पिछले 50 साल से देश भर में और विदेशों में देवी कार्य चला रहे। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ पर जो बिछड़े लोग है, मध्यम वर्गीय है, इन लोगों का दारू, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, नशा ये सब छूटे, पिज्जा, बर्गर और इन बुरी आदतों से दूर होके सब आगे बढ़े। सामग्री तो बहुत सारी है, हम आपको फिर भी थोड़ी बहुत बता रहे हैं। ये देखिए, सलवार सूट है और साड़ी है और छोटे बड़े सब कपड़े हैं। सारी सामग्री वितरण की जाएगी। बस अभी कार्यक्रम शीघ्र होने वाला है। हरिओम हरिओम हरिओम। ये सब संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम और समिति और गुरुदेव के आशीर्वाद से देवी कार्य चलता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, कर भला हो भला, सबका मंगल सबका भला, तो इसी उद्देश्य से सभी सेवाधारी आए हैं यहाँ पर और ये सेवा कार्य होने वाला है। आप सभी दर्शकों को हमारा राम राम हरि ओम। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी सहयोगी बने सेवा में, और जो सुन रहे हैं हम चाहते कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में गौ माता की, गरीबों की, बच्चों की सेवा करें और अपना मनुष्य जन्म को सफल करें।